आज ईद का छुट्टी है क्या जी? ईद कल है? अच्छा, ईद कल हो गया। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। चलिए तो शुरू किया जाए। आप लोगों को बोला गया था प्रश्न बनाने, तो यदि कोई विद्यार्थी मटेरियल के अलावा क्वेश्चन बना के लाया पूछना चाह रहे तो वो पहले दे दीजिए। किसी के पास कोई समस्या है या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप लोगों से यही आशा था। कल 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 शनिवार है, कल कोई नहीं आएगा इसीलिए ना। एक घन या घन आप में होते हैं, तो एक घन या घन आप में क्या होते हैं? आठ कोण होते हैं, छह फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं। आंसर होगा ये सभी। एक घन या घन आप में ये सभी होते हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। एक घन या घन आप में कितने फलक या सतह होते हैं? तो बाबू 6 फलक या सतह होते हैं। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। एक घन या घन आप के निकटवर्ती सतह होते हैं? तो बाबू एक सतह के 4 पड़ोसी सतह और एक विपरीत सतह होता है, आप लोगों को बताए हुए हैं। तो यानी कि एक घन या घन आपके कितने निकटवर्ती सतह होते हैं? तो बाबू हाउ मैनी एडजेसेंट फेस, हाँ फेस फेस लिखा हुआ यहाँ पे, इच निकटवर्ती सतह लिखा हुआ ना, 4। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। घन में जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, तो सही बात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है। किसी भी घनाभ में लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई असमान होता है, सही बात है। ये घनाभ में, घनाभ तो ये ना हो गया, ये घनाभ हो गया, तो ये बाबू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होता है। घन या घनाभ त्रियामी वस्तु है, 3 डायमेंशन, सही बात है। उपर्युक्त सभी, तो आंसर क्या लगाएंगे? 4 नंबर डी ऑप्शन। इतना भारी भारी क्वेश्चन है, 4 गो बताइए, किसी से बनबो नहीं किया होगा। नहीं जी, तब 1 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए उसे कुल कितनी बार काटना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले बाबू एन निकालना पड़ता है। एन के लिए क्या? 3/1, यानी कि n=3। और अब यहां पर कुल कितनी बार काटना है? तो काटना है बाबू किसको? घन को ना, तो n-1 × 3 बार काटना है। किसको? तो घन को। n=3, 3-1 = 2 × 3 = 6। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 12 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा? ठीक है, क्या हुआ? 1 to be noted my lord।
बात बिल्कुल ही सही है। हे भगवान इस पॉइंट को नोट करिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 12 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए, हाँ जी, इसे कुल कितनी बार काटना होगा? और इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स अ 3 सेंटीमीटर ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड बी कट टू ऑब्टेन स्मॉलर क्यूब टू 2 सेंटीमीटर साइड। ये क्वेश्चन जो है ना अलग अलग है, ठीक है, तो इसको विवाद में रख दीजिए, प्रश्न गलत गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तब नहीं लोग से क्वेश्चन नहीं बना एक कठो नहीं जी। आज हमारा लगता है कहीं क्योंकि वर्ड खत्म नहीं हो जाए, कहीं जिस दिन कम विद्यार्थी रहता उस दिन हम ज्यादा पढ़ाते हैं नहीं जी। तब एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कितने घन प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले n निकालना, 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड 1/3, n बराबर 3, तो n पर पावर 3, तो यानी कि 3 पर पावर 3, यानी कि 2727, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। एक ठोस घन, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, क्या जी? तो सबसे पहले n, n यानी कि 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड 3/6, n बराबर बाबू 6, तो बोला गया एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, तो बाबू n पर पावर 3, 6 पर पावर 3 बराबर 216, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट भी है, दिक्कत है तो बाबू बोल लीजिए अभी, नहीं नहीं जी। एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की माप, भुजा की माप क्या होगी, क्या बात है। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 टुकड़ों में काटा गया, 125 टुकड़ों में काटा गया, यानी कि बाबू टोटल टुकड़ों का संख्या 125, n पर पावर 3 बराबर 125, इसका मतलब n बराबर 5। n बराबर 5, ठीक है, क्लियर इतना। अब क्या लिखा है, एक 25 हो गया जी, कल जो टेस्ट चल रहा था तो हम जो डिस्कशन ले रहे थे तो देख रहा था, फिर भाग कहा गया था, कितना ख्याल रखता बताइए डिस्टरबेंस का, नहीं जी ना ना मत आना मत आना, ना ना कोई जरूरत नहीं आने का। कहाँ था जी, हाँ, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया तो प्रत्येक छोटे घन के भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। अब बाबू ये हुआ हमारा n निकला है, भुजा का माप नहीं है ना निकला है, और n निकालने के लिए क्या करते हैं, n निकालने के लिए करते हैं बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई, ठीक है। बड़े घन की भुजा की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, यहां पर क्या देंगे छोटे घन की भुजा की लंबाई में x, यहां पर n बराबर क्या देंगे तो 5, ठीक है। अब 25 में कितना से भागा देंगे जब 5 होगा, तो 25 में जो है 5 से भागा देंगे तो 5 होगा। अब वो आंसर समझ में आया, उस टाइम नहीं हुआ था इसीलिए आंसर हो जाएगा
5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, तुरंत बोलिए। तो बाबू नहीं बोलिएगा जी, पच्चीस सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, n पर पावर 3 बराबर 125, इसका मतलब हुआ n बराबर 5। ठीक है, समझ में आ गया। हम उंगली लेने वाला आदत नहीं छुटा जी अभी तक, है बहुत ज्यादा गंदा बात होता मेरे क्लास में तो और ज्यादा। ठीक है क्या जाता है, ब्लड सर्कुलेशन उससे ज्यादा होता है। हाँ ये बाबू एन बराबर 5 समझ में आया। हाँ गप कर लीजिए आज, फिर बाद में तो एक बार आइए। हैं ये एन बराबर 5 समझ में आया, यहां तक में दिक्कत नहीं ना है। अब बात आता है कि n बराबर 5, तो n बराबर होता है बाबू बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई, होता है। तो यहां पर बड़े घन की भुजा की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा की लंबाई हमको, छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी ये हमको निकालना है। तो यहां लिख दीजिए छोटे, और यहां पर n बराबर कितना है 5 है, तो लिख दीजिए 5। अब यहां पर क्या पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पूरा नंबर सिस्टम की तरह बनाए, यहां 5 लिख दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है 25 में 5 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा आंसर बाबू, 5 सेंटीमीटर ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। डाउट ना अभी हो है तो बोल लीजिए, दिक्कत है जी मिटा दें। ऐसे देखिए ये जो चैप्टर है क्यूब क्यूबाइड का, ऐसे एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं है, ठीक है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो। लेकिन पता नहीं इधर क्या हो गया है, ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी एमटीएस सीजीएल इधर लगातार 2-3 साल से 4 साल से पूछ रहा है। तो हो ना हो आप लोग के एग्जाम में दूगो एगो क्वेश्चन पूछ सकता है, गारंटी नहीं कि पूछेगा ही, ठीक है। तो इसको लाइकली ले सकते हैं, नहीं भी बनाएगा इस चैप्टर को तो काम चलेगा। फिर से पूछा था बनाए थे तो क्या होगा फिर, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, है ना। आज बनाना शुरू किए हैं कल से, कहां तक बनाए, पांच को बनाए, तब कितना अच्छा लड़का है। बात है जब तक ठोकर खाता नहीं ना सुधरता नहीं ना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर आकार के बड़े केक को 5 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आकार के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो यह बाबू घनाभ का क्वेश्चन है। और घनाभ यानी कि क्यूबाइड के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका बाबू सारा भुजा अलग अलग होता है, लंबाई का भुजा अलग होगा, चौड़ाई का भुजा अलग होगा, ऊंचाई का भुजा अलग होगा, सबका लंबाई अलग अलग हो जाता है, इसीलिए उस पर जो है रूल से फोकस नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को जैसे वो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही उसका डिजाइन बना करके बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न में यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि आकार के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहे तो देखिए, उसके बाद लॉन्ग में भी समझा देंगे। पहले शॉर्ट में बोला 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर में ही काटना, यानी कि एक टुकड़ा ये तो जैसा वैसा ही रह गया। 25 सेंटीमीटर को 5 से, यानी कि बाबू 5 टुकड़ा, 25 में 5 से भागा दीजिएगा तो 5 टुकड़ा होगा ना, और 30 में 10 से, यानी कि बाबू 3 टुकड़ा, 5 × 3 × 1 यानी कि कितना टुकड़ा, 15 टुकड़ा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर B ऑप्शन। ये हुआ इसके हिसाब से। सर आप क्या क्या किए नहीं किए हम लोग को नहीं बुझाया, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं।
एक 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ई बाबू 5 हो गया और ई वाला 25 हो गया, आई वाला 30 हो गया। माना कि अब 5 वाला को 5 सेंटीमीटर में रखना, यानी कि जस के तस रह जाएगा ये। 25 वाला को 5 और 30 वाला को 10 सेंटीमीटर के टुकड़ा में। तो 25 वाले को 5 सेंटीमीटर के टुकड़ा में यानी कि 5 को टुकड़ा करना है, 30 वाले को 10 सेंटीमीटर के टुकड़ा में यानी कि 3 को टुकड़ा करना है। ठीक है, 3 को टुकड़ा और उधर से कितना, 25 वाला को 5 को टुकड़ा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए कुल टुकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। तो हम क्या किए, इसको 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड 5 सेंटीमीटर बराबर 1 5 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड भागा 5 सेंटीमीटर बराबर 5 और 30 सेंटीमीटर भागा 10 बराबर 3। 5 × 3 × 1 = 15। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। आगे बढ़े, तभी नहीं कि एग्जाम में चित्र बनाने लगिएगा। एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बराबर आयतन के 216, 216 का 6, ना ना हम लिखिए देते हैं, अशोक आयल एन पर पावर 3 बराबर 216, तब आप एन बराबर 6। अब ठीक है, हाँ तो 216 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता किसको, तो 24 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन को। तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, तो यहां पर क्या होगा, एन बराबर बड़े बटा छोटे, एन बराबर पता है हमको 6, बड़े बराबर पता है कितना 24, तो बाबू यहां पर व्हाट, 24 में 4 से भागा दे दीजिए तो बाबू 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। देखिए बुझा नहीं रहा है तो हमरा बोल दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा सर क्या क्या आप बोलते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, बना के लाए हैं दिखाए थे हम बाबू हम क्या बोले। देखिए जैसे कि होता है ना कि हम लक्षण से लाचार हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि आप लोगों से आशा नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य हैं, आदमी आदमी से प्यार करते हैं, हर बार वही गलती दोहराते, कैसे होता जी, आज क्या होगा, शनिवार रविवार दो दिन है ना, बीच में सोमवार को लेकर आइएगा। एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया, एन बराबर, एन बराबर 6 हो जाएगा,
मैं एक ही गलती बार बार करता हूं। यदि छोटे घन की एक भुजा 6-5 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? 5 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बाबू है या 2 नंबर? ठीक है, डाउट है बिटा दें। बाबा हो बनाइए थोड़ा 13 नंबर क्वेश्चन को। पेन ड्राइव है जी। डेली पॉकेट में नहीं रहता है, हम जहां जहां पेन ड्राइव वहां वहां। ठीक है, पॉकेट में हम रख भी करते हैं, पॉकेट ही पेन ड्राइव है, ये है कलम पिनने वाला नहीं है। अच्छा, हमारा पॉकेट में आज तक पैसा छुटबे नहीं किया, पेन ड्राइव कैसे छूट जाएगा? हो गया, देख रहा है ना, बना के लाया है वो। एक बड़े घन को 1000 छोटे घनों में विभाजित किया गया तो n पर पावर 3 बराबर 1000, यानी कि n बराबर बाबू 10। ठीक है, यदि छोटे घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? 10 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर 2 नंबर। ठीक है, दिक्कत है तो हम और डिटेल कर देंगे। समझ में आ रहा जी आप लोग को जा रहा बुझा रहा है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा विचार रहा आप लोगों का। इसी बात पर 14-15 तो हम ही बनाएंगे, 16 हम ही बनाएंगे। चलिए अभी अब ठीक ही है, बाद में अब देखेंगे कितना के बनाएंगे। एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6×2×4 cm³ है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? बनाओ 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 ना जी।
हुआ जी बना क्या हुआ? शर्म नहीं लगता है? ऑप्शन ही गलत कह दिया। एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 6, 2, 4 सेंटीमीटर है को 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया तो कुल कितने? तो बाबू सबसे पहले ये 2 सेंटीमीटर से 6 में 2 से भागा दीजिए, हो गया बाबू 3, 2 में 2 से भागा दीजिए, हो गया बाबू 1, 4 में 2 से भागा दीजिए, हो गया बाबू 2, सबको गुना कर दीजिए, हो गया बाबू 6। तुरंत ही नबी बताए थे जी, अभी पीछे 4-5 को क्वेश्चन पीछे बताए थे कि नहीं, जिसका डिजाइन वो बना के दिखाए 10 सेंटीमीटर वाला 3 गो, 25 सेंटीमीटर वाला 5 गो, 5 सेंटीमीटर वाला 1 गो। अब यो पता चल रहा है क्यों कहते हैं बाबू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? फिर हम वहीं आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं हम एक बात बताते हैं आप लोगों को, रीजनिंग टेस्ट जो मेरा चलता है, ध्यान से सुनिएगा, रीजनिंग टेस्ट जो चलता है बाबू 3 बजे से टेस्ट चलता है, 3:30 से डिस्कशन होता है, ठीक है? उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि फिक्स है वो आएगा ही आएगा, ठीक है? 5 से 7 विद्यार्थी ऐसा है, 5 से 7 विद्यार्थी ऐसा है जिसको कि हमको उस सबके तरफ क्वेश्चन निकालने के बाद उधर देखने का मन नहीं करता है, मतलब देखने का मन इस सेंस में कि मतलब उससे पूछे हाँ जी सही बनाए हैं कि नहीं, हम जानते हैं वो बनाया ही होगा, ठीक है? वो लोग के तरफ देखते हैं कब, जब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है तब हम उन लोगों से पूछते हैं ये वाला बनाए थे कि नहीं बनाए थे, समझे? 5 से 7 विद्यार्थी ऐसा है जो कि बाबू अगर 50 क्वेश्चन रहता है ना तो उसमें 48 लाता ही लाता है, ठीक है? अगर वो 30 क्वेश्चन वाला रहता है तो उसमें 28 से 29 नंबर वो लाता ही लाता है, उसके बावजूद भी वो आता है, रीजन पीछे क्या हो सकता है? वो सब नहीं, वो सब वही विद्यार्थी है जिसका इतना से छूटा है 1 नंबर वाला, 1 क्वेश्चन वाला, ठीक है? 1 क्वेश्चन वाला। इस बार मेरा ममेरा भाई का इनकम टैक्स में हो जाता SSC CGL से बाबू 0.08 से उसका छूटा है, बोला कि एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था जो हमको बनाने का मन नहीं हो रहा था लेकिन हम उसके बावजूद जो है उस क्वेश्चन को बना लिए, अब बना लिए वो गलती हो गया, गलती हो गया तो हम पीछे हो गए, ये तो कटअप में तो रहता, ठीक है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग,
हेलो, हाँ जी, ये बनाए हैं, देखिए क्या हुआ इसमें, लिख रहा है हाँ जी, एक बढ़ई को एक बड़ा घन, एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे, ठीक है, क्लियर। बड़ा ठोस घन दिया गया लकड़ी का, जो भी दिया, एक या बात याद रखिए, घन दिया गया, घन दिया गया तो वेस्टेज निकलने वाला नहीं है उसमें से, वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे, वो बोल भी दिया कोई टुकड़ा शेष नहीं बचे, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपया दिया जाता है, यानी एक बार जब वो काटा तो कितना रुपया उसको मिलेगा, 5 रुपया, और इस प्रकार कुल 120 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले 120 रुपया उसको मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ, 5 से भागा दे दीजिए कितना हो जाएगा, 24×5=120, यानी कि उसको जो उसने कुल कितना बार काटा है ये बताइए, 24 बार काटा गया, ये बात समझ में आया या नहीं आया, 24 बार काटा गया, इसमें डाउट है तो बोल लीजिए, 24 बार काटा गया, ठीक है। अब घन को काटने वाला नियम हम आपको क्या बताए थे, n-1×3, घन को काटने वाला नियम यही बताया, n-1×3 बराबर कितना, बराबर 24, n-1×3=24। तो अब बताइए, सबसे पहले n-1 = 3 को इधर करेंगे, भागा जाएगा, तो 24 में 3 से भागा दे दीजिए कितना हो जाएगा, 8, यानी कि n-1=8, तो बाबू n बराबर कितना, अति 9, हाँ 9, 9 n=9, कोई डाउट इसमें, दिक्कत है तो अभी वो बोल लीजिए, बाद में मत बोलिएगा सर, पूरा एक बार फिर से समझा दीजिए हमको, n=9 में किसी को डाउट, समझ में आया, कोई दिक्कत ही ना है। अब बोला कि बताएं कि इसे कुल कितनी बार, कुल कितने घन बनाए जाएंगे, तो यानी कि n^3 बराबर n^9 बराबर 729, आंसर कौन सा, 4 नंबर, डी ऑप्शन, डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, बन जाएगा, मिटा दें,
आगे बढ़े। सेवनटीन बनाइए आप लोग। फिर सत्रह नंबर हमारे पास तो बाबू आधा इधर आधा इधर है, आप लोग बनाइए। और कितना छोटा करे जी। नहीं हो पाएगा। सेवनटीन बनाइए। बनाइए सत्रह नंबर। हो गया। क्या हुआ? क्या ग्रुप डी के बहाली में 2 लाख ग्रुप डी आने वाला है? कहां पर? कहां से न्यूज आया जी? टीचर लोग प्रचार कर रहा है 2 लाख की 2000, 2,73,000। पहले को बात बताओ, सबसे पहले जान लीजिए, ग्रुप डी नाम से अब कोई वैकेंसी आएगा ही नहीं, ठीक है? पहला बात तो ये कि ग्रुप डी नाम से अब कोई वैकेंसी आने वाला नहीं है। क्या आईटीआई? वो तो पिछले बार लागू हो गया, पिछले बार विद्यार्थी सब हल्ला हल्ला करके नहीं अथी किया, नहीं करने दिया। इस बार लगता है आपको? बस हल्ला करने वाला का संख्या भी कम हो गया, क्योंकि जितने भी हैं, दो तीन पहलू को सोचना चाहिए एज ए स्टूडेंट। लगभग जो रेलवे वाला विद्यार्थी है वो सब पिछले बार के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आईटीआई कर चुका है, ये बात तो जान लीजिए। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आईटीआई कर चुका है, तो जो लोग आईटीआई नहीं किया उसका संख्या हो गया कम। दूसरी बात, एज का जो प्रॉब्लम आएगा वो, ठीक है? और तीसरी बात, केंद्र सरकार का अपना मोनोपोली, हम नहीं हटाएंगे, हम नहीं करेंगे, जो है वो यही रहेगा। चौथी बात, वैकेंसी की संख्या कम, ठीक है? 2 लाख के आशा में जितने लोग बैठे हुए हैं, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और जो भी आदमी 2,37,000 2,73,000 प्रचार कर रहा है ना, उनका होगा कोई जुगाड़ भाई? 70,000-80,000 बोल बोल के 5,696 आता है, कहीं 2,03,00,000 बोल करके 2,000-3,000 आ जाए। गलत बोल रहे हैं? एक तो बात बताएं, अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है? बेवकूफ नहीं है जो ग्रुप डी ज्वाइनिंग करने के 2 महीना के बाद आ रहा क्लास करने के लिए। 3 वर्ष तक उसको रेलवे डिपार्टमेंट हटा नहीं सकता है, और ना ही उसके जगह पे बहाली कर सकता है। अपना शहर से आप रिजाइन कर दीजिए, अलग बात है, ठीक है? 3 साल तक हटा नहीं सकता है। उसको बार 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 फोन करके, मैसेज करके,
चाहे क्या बोलते हैं पोस्ट करके उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। 3 साल तक अगर आप लगातार नहीं गए तब आपको हटा दिया जाएगा, समझे। नो पे सॉरी नो वर्क नो पे जो लगाता है वो ज्यादा से ज्यादातर ग्रुप डी में ही लगाता है। और जान लीजिए ग्रुप डी में नो वर्क नो पे लगाने के कारण जो है प्राइवेट रेलवे क्या करता है, प्राइवेट इंप्लॉय को हायर करता है। कहते हैं ना रेलवे प्राइवेट हो गया प्राइवेट हो गया प्राइवेट हो गया, उसका लक्षण कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी है। आप जो हैं 3 साल तक आपके पास तो ऑप्शन है, आपको हटा नहीं सकता, आप जाइएगा नहीं 3 साल तक, तो बीपीएससी की तैयारी यूपीएससी की तैयारी ही तैयारी ही तैयारी में लगे हुए हैं। रेलवे डिपार्टमेंट ने जब आपका भर्ती किया था वो क्या सोच के भर्ती किया था कि हमारा हथौड़ा उठाने वाला एगो आएगा, हमारा गिट्टी उठाने वाला आएगा, हमारा ट्रैक मैन आएगा, ट्रैक पर काम करने वाला आएगा, वो सब काम करेगा। यहाँ विद्यार्थी तो होशियार टैलेंटेड, वो चले जाता है 3 साल के गतिविधि में फटाक से, 2-3 महीना किया अपना एगो उसका अथी बनता है क्या बोलते हैं पीए नंबर पीएफ नंबर, और उसके बाद वो निकल जाता है वहां से, ठीक है। आखिर में ये अगर ट्रैक गड़बड़ है, अगर यहां पर इस स्टेशन पर अगर 4 को ग्रुप डी का जरूरत है मान लेते हैं, ठीक है, 4 ग्रुप डी का अगर यहां पर जरूरत है, 4 में से अगर 2 को भाग गया ये नो वर्क नो पे लगा करके, तो 2 को से वो काम हो जाएगा, तो फिर रेलवे कर्मचारी रेलवे डिपार्टमेंट वहां पर बार बार मैसेज करेगा ना, ये स्टेशन पर का स्टेशन मास्टर हो चाहे जो हो, तो बार बार कहेगा सर 2 को ग्रुप डी से हम कैसे काम चलाएं, 2 को ग्रुप डी से हम कैसे काम चलाएं, आप हमको 2 का स्टाफ दीजिए। तब बोलेगा कि वो दोनों को बुलाइए जिसको ज्वाइनिंग कराए थे, वो फोन ही नहीं उठाता है, गया वो फोन उठा नहीं रहा है, जो इसको इस यहां पर काम करने की आवश्यकता है कि नहीं पहले आप हमको ये बता दीजिए, काम करने की आवश्यकता है कि नहीं, है ना। तब ये स्टेशन मास्टर क्या करेगा, तो बोलेगा कि हमारा परिचय में एगो हमारा भगना है, वो देखते हैं बैठा हुआ रहता है, उसको आधा सैलरी पर बुला रहे सर, ठीक है बुला लो, समझ में आया। जितना इसको 40,000 मान लीजिए मिलता है एक ठो को, तो 40,000 में 2 स्टाफ खटवा रहा है, विद्यार्थी खाली हल हल्ला करेगा मोदी है तो हटाओ, मोदी है तो मुमकिन है, जाओ मोदी यहाँ छोड़ करके रेलवे बेच लिया, जो भी है ऐसा मत सोचना मोदी के सपोर्टर है, ठीक है। हम बाबू उसी पार्टी के सपोर्टर हैं जो वैकेंसी देता है, मोदी वैकेंसी दे हम कभी अभी अभी 2 लाख वैकेंसी दे दे मोदी का, हम एकाध लोगो बनवा ले अपना चेहरा उरा पे, ठीक है। एकरा से बने कोई नेते नहीं है, आता नहीं एस टी का साटने वाला, वो साथ साथ के घूमेंगे हम। आइए यूट्यूब वाला नहीं योजना सुनता है, हाँ क्या क्या बोला बोलिए, रोजगार का बात करवे नहीं किया, काहे करेगा, क्यों करेगा रोजगार का बात, आप ये सोचिए ना। आपके पास मोबाइल है, आपके अपने नाम का सिम है और उसमें 4G नेटवर्क काम करता है, 5G करता है, उसमें रिचार्ज करवाते हैं, वो आपके नाम पर रिचार्ज होता है किसी दूसरे के नाम पर रिचार्ज होता है, तो मतलब बाबू कितना का रिचार्ज करवाते हैं, 249 का कितना महीना, 1 महीना के लिए 28 दिन, चलिए तो आप जो है 249 रुपया इंटरनेट पर खर्च कर सकते हैं पर मंथ, इसका मतलब है कि आपका वैसा इनकम है तभी ना, आपका 249 रुपया इंटरनेट पर खर्च करने का इनकम है तभी तो आप खर्च कर रहे हैं, काहे लो रोजगार का बात करेगा, मतलब बात समझ में आ रहा है, ठीक है, है लॉजिक तो बोलिए यहाँ पे क्या, ठीक है।
आखिर में एक 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 समझिएगा, एक स्किल डेवलपमेंट वाला केंद्र सरकार का कुछ आया था, ठीक है? क्या आपने स्किल डेवलपमेंट वाला कार्ड लिया? कौन कार्ड है? क्या 5 लाख? कौन सा स्किल उस पर लिखा हुआ है? आयुष्मान कार्ड के बात कर रहे हैं हम, आयुष्मान कार्ड का बात नहीं कर रहा हूं, स्वास्थ्य संबंधी है ना बाबू, स्वास्थ्य बीमा है, सीमा जी सीधा सीधी किसका है? मतलब चल जाओ हॉस्पिटल है, उसको लीवर में प्रॉब्लम हुआ ना, वो हॉस्पिटल जाए, तू लोग भी पानी पियो, ठीक है? आइए क्वेश्चन में क्या लिखा, एक बड़े को एक बड़ा ठोस गणित शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिए तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 7.5 रुपया और इस प्रकार कुल 125 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है? 35 रुपया 135 डिवाइडेड बाबू 17.5 बराबर 18 होता है, यानी कि 18 क्या आया? 18 बार काटा गया है ना, 18 बार काटा गया। तो बाबू जब ये n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना 18, तो यानी कि n बराबर कितना 7, तो n पर पावर 3 बराबर कितना 343। हो गया आपका आंसर, डाउट है तो बोल लीजिए, ऑप्शन बाबू 2 नंबर B ऑप्शन, ठीक है? क्लियर, बना के लाइएगा आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।